हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हमारे सब साथियों बहुत बुजुर्ग हैं और एक्सपीरियंस्ड भी हैं। वो हनंदा भी जैसे मॉडरेट कर रहे हैं, और हमारे पहले सब साथियों ने बहुत सही बातें बोले हैं। हम थोड़ा बहुत उससे ऐड करेंगे। पहले ये बोलेंगे कि हाँ, ये जरूर हम भी सहमत हैं कि किसानों पूरा भारतवर्ष में फार्मर्स और इन डिस्ट्रेस, किसानों डिस्ट्रेस में हैं। बात था कि किसानों का डेट जो है वो मौकूफ किया जाएगा, कर्जा मौकूफ किया जाएगा, लेकिन हम देखते रहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट का, मिलियनियर का कर्जा मौकूफ होने जा रहा है, डेट मौकूफ होने जा रहा है, किसानों का डेट मौकूफ का बात ही पर रह गए हैं, वो वास्तव में नहीं हो रहा है। दूसरा बात ये हम बोलेंगे कि किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बहुत जरूरी एक डिमांड था, और प्रयोजनीय उद्योग भी था, बहुत नेसेसरी था मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करना, तैयार करना। सिर्फ डेढ़ गुना ही नहीं, हम एज फार एज आई रिमेम्बर उन्होंने बोले थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बात उनका यही था कि किसानों का एग्रीकल्चर में जो खर्चा होता है उससे डबल उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, डेढ़ गुना की जगह दो गुना मिलेगा। लेकिन वो भी सिर्फ बातों का बात ही रह गए हैं, वास्तव में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बारे निर्भर हो जाए, असनिर्भर होने का बाद वो अंतिम मर्यादा के साथ वो अपना जो अधिकार है वो सीना टान के उनका जो काम है एग्रीकल्चर का काम वो कर सकते हैं स्वनिर्भर होके, अगर उसके पहले उसका डेट मौकूफ किया जाए और उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम ये बोलना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में लैंड एक्विजिशन एक्ट के अमेंडमेंट के बारे में, और कैटल इकोनॉमी का बात हो या दलित या माइनॉरिटी का ऊपर जो चल रहा है, ये हम सिर्फ बोलना चाहेंगे कि ये पूरा के पूरा डिवाइसिव पॉलिसी पॉलिटिक्स है। ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स को हम कंडेम करते हैं, और जो एट्रोसिटीज चल रहे हैं इसके नाम पर, कैटल के नाम पर, या गाय के नाम पर, कि शुद्धता के नाम पर, कि धर्म के नाम पर, कि जिसके भी नाम पर हो, जो एट्रोसिटीज चल रहे हैं दलित के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर, वी कंडेम ऑन बिहाफ ऑफ आवर पार्टी टोटली ऑल दिस ब्रुटलिटीज एंड एट्रोसिटीज। हम ये बोलना चाहेंगे कि हम सबको भूमि अधिकार आंदोलन की हम तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये मूवमेंट में सबको इकट्ठा करने की कोशिश में जारी है, सब पॉलिटिकल पार्टियों को भी इकट्ठा करने की टाइम आ गया, क्योंकि चार बरस से जो सरकार चल रहे हैं उसको खिलाफ अगर सब पार्टी, सब ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल यानी पॉलिटिकल ना हो सोशल, सबको इकट्ठा होना है, क्योंकि ये जो एट्रोसिटी चल रहा है किसानों के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर, हम सबको उसके खिलाफ लड़ना है, आगे बढ़ना है। हम ख़त्म करने के पहले दो लाइन गाना सुनाना चाहती हूँ, ये मूवमेंट की गाना है, क्योंकि हनंदा ने हमको उत्साह डाला जब शुरू में देखा कि दो गाना में चालू हुआ, तो हमने सोचा कि ये किसान की डिस्ट्रेस के खिलाफ, एट्रोसिटीज़ के खिलाफ, दलित माइनॉरिटी के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर जो एट्रोसिटी हो रहा है इसके खिलाफ अगर हम आगे बढ़ना चाहेंगे, इकट्ठा होना चाहेंगे, तो हम सबको लड़ने में तैयार हो जाना चाहिए। हम कोशिश करते हैं, हमारा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। जुल्म की आग में और कब तक जिंदगानी सुलगती रहेगी, कितनी बेवा
गुजरती रहेगी, इतनी दुल्हन तड़पती रहेगी। जागो जागो अरे सोने वालों, अपने तकदीर पे रोने वालों, जालिमों को यहाँ से मिटा दो, झंडा अपनों का तुम उड़ा दो। जिसकी मुट्ठी में तकदीर खुद हो, क्या उसे फिर डराएगी दुनिया। जिसकी मुट्ठी में तकदीर खुद हो, क्या उसे फिर डराएगी दुनिया। डरने वाले कभी हम नहीं हैं, जान जाने का कुछ गम नहीं है। एक मजदूर किसान भी मरेगा, भूखा बच्चा सिपाही बनेगा। एक मजदूर किसान भी मरेगा, भूखा बच्चा सिपाही बनेगा। एक मजदूर किसान भी मरेगा, भूखा बच्चा सिपाही बनेगा। वंदे मातरम।